हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है 22 मई और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट करंट अफेयर्स, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आप यहाँ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर जो बेल आइकन है साइड में उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी डेली की करंट अफेयर वीडियो आप तक मिल सके। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल की क्विज मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए, उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 8 मई। कल की क्विज का क्वेश्चन था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हाल ही में कितने तारीख को मनाया गया है, तो ये मनाया गया था दोस्तों 8 मई को, और ये प्रत्येक ईयर जो है एवरी ईयर 8 मई को ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं रेड क्रॉस के बारे में। जो रेड क्रॉस है दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, और इसका जो मेन मकसद है इसका जो इस संगठन का वो है जितने भी किसी भी प्रकार के दुर्घटना में जो घायल लोग होते हैं या फिर रोगी होते हैं उनकी देखभाल करना ही इसका मेन मकसद है इस संगठन का। बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आज का कि किस राज्य की सरकार ने स्कूली लड़कियों की सुरक्षा के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, तो ये की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो वहाँ के गर्ल्स हैं, स्कूली गर्ल्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल योजना शुरू की है जिसका नाम है छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। और ये जो लॉन्चिंग की है, इस योजना की शुरुआत की है दोस्तों, वो की है हरियाणा के जो CM है प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं हरियाणा के गवर्नर की, तो हरियाणा के जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो है कप्तान सिंह सोलंकी, और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है खोरिया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी आपको ये तो पता ही होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, ये हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो ये रिसेंटली जो है मनाया गया है एंटी टेररिज्म डे, ये मनाया गया है 21 मई को, और हर साल ये 21 मई को मनाया जाता है। इसका देखिए मेन मकसद क्या है इसका मनाने का, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक यहाँ पे जो इसका मेन उद्देश्य है वो आतंकवाद से लोगों के जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है उससे लोगों को रूबरू करवाना, परिचित करवाना, जिससे कि यही इसका मेन उद्देश्य है। इसकी शुरुआत बात करते हैं तो इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी 1991 से हुई थी इसकी शुरुआत। देखिए 1991 में एक घटना हुई थी, जो हमारे 7वें PM जिनका नाम है राजीव गांधी थे, उनकी हत्या के बाद से ही इसी की शुरुआत की गई थी, एंटी टेररिज्म डे मनाने की शुरुआत की गई थी 21 मई को, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका रिसेंटली सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा एट द उड़ीसा का जो चंदीपुर रेंज है वहीं पे इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों, जो हमारा DRDO है भारत और जो रूस है उसके दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है, और इसका जो अभी सफल परीक्षण किया गया है। थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम जान लेते हैं। इसका पहला जो सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का, वो किया गया था जून 2001 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। और इसका जो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसके बारे में वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसकी जो गति है दोस्तों, इसकी जो चाल है वो हमारे जो ध्वनि है, साउंड है, उससे 2.8 गुना तेज जो है इसकी गति है। तो आप सोच लीजिए काफ़ी तेज जो है ये है, और इसीलिए इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नाम दिया गया है। बात कर लेते हैं देखिए एक और खूबी इसकी, कि ये हवा से भी मतलब कि इसको लॉन्च किया जा सकता है, हवा में से भी, इसको जल से भी लॉन्च किया जा सकता है, और थल से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ये इसका मेन यहाँ पे फीचर्स है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 350 से 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और इसको जो यहाँ पे 300 किलोग्राम तक वजन ले जाने में ये जो है सक्षम है। इसकी जो लंबाई है वो है 8.4 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा DRDO के बारे में, जिन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है अभी। तो DRDO देखिए एक भारत का यहाँ पे
जो गवर्नमेंट है उसका उपक्रम है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, DRDO की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। और इसके जो अध्यक्ष है DRDO के प्रेजेंट में, वो है एस क्रिस्टोफर इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं DRDO की, तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो जो रिजर्व बैंक RBI ने, उसने जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वो लगाया है साउथ इंडियन बैंक पर। साउथ इंडियन बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात साउथ इंडियन बैंक की कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है थ्रिशूर, जो कि केरल में, थ्रिशूर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट में CEO है, मतलब सॉरी चेयरमैन जो है वो है सलीम गांधीधरन इसके प्रेजेंट में CEO चेयरमैन है, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक के। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए हाल ही में किस खिलाड़ी ने ला लीगा में 5वीं बार यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 2018 में जीत हासिल की है? तो जो यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार 2018 जो जीता है अभी, वो जीता है लियोनेल मेसी ने ये पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। और अगर बात करते हैं, इन्होंने 5वीं बार ये पुरस्कार जीत लिया है। और अगर बात करते हैं, देखिए ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है फुटबॉल प्लेयर्स को, फुटबॉल के फील्ड में, फुटबॉल के क्षेत्र में ये यूरोपियन गोल्डन शू पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये जो लियोनेल मेसी है वो FC ब्रेसलिना की टीम की तरफ से ये खेलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं एक और फेमस प्लेयर की जिनका नाम है रोनाल्डो, आप सभी जानते होंगे, उनको इसमें 9th पोजीशन मिली है इस बार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है पुरस्कार लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में किसे TK रामनाथन पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है, प्रजनेश गुणेश्वरन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है TK रामनाथन पुरस्कार 2017-18। और ये जो दिया गया है दोस्तों, जो तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन का जो अभी रिसेंटली वार्षिक समारोह हुआ है उसी के दौरान ये इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देखिए किसके लिए दिया जाता है, कौन है TK रामनाथन, आपको बता दूँ TK रामनाथन जो है काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर थे और उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और अब की बार जो ये 17-18 का पुरस्कार दिया गया है प्रजनेश गुणेश्वरन को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए निकोलस मदुरो हाल ही में पुनः एक बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं, जिनका संबंध किस देश से है? तो ये है वेनेजुएला के। अभी रिसेंटली इनको एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है दोस्तों, और ये अब आगामी 6 साल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात हो रही है यहाँ पे वेनेजुएला की, तो देखिए राजधानी यहाँ पे जान लेते हैं, इसकी राजधानी है काराकस इसकी राजधानी, और जो मुद्रा है यहाँ की वो है वेनेजुएलन बोलीवार इसकी मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हाल ही में 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2018 में कौन सा देश विजेता बना है? तो ये बना है दक्षिणी कोरिया इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है दोस्तों। भारत इसमें जो है हार का सामना इसमें करना पड़ा है भारत को, और जो विजेता बना है इसमें वो बना है दक्षिणी कोरिया। थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए इसके बारे में, तो इस दौरान जो भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है वंदना कटारिया को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके दौरान चुना गया है। तो ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है, इस जो ये चैंपियनशिप हुई है इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, वो चुना गया है भारतीय जो प्लेयर है जिनका नाम है वंदना कटारिया, उनको इसमें जो है चुना गया है। बात हो रही है यहाँ पे देखिए दक्षिणी कोरिया की, थोड़ा सा जान लेते हैं, तो दक्षिणी कोरिया ने 3री बार ये चैंपियनशिप जीती है, और दक्षिणी कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो है मून जे इन यहाँ के दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। राजधानी की अगर बात करते हैं तो सीओल यहाँ की राजधानी है दक्षिणी कोरिया की। और जो मुद्रा है जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है वो है साउथ कोरियन वान यहाँ की करेंसी है दक्षिणी कोरिया की, इतना काफ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में युद्धनपुरी सुलोचना रानी का निधन हो गया है, जिनका संबंध किससे है? तो ये जो है दोस्तों उपन्यासकार थी ये युद्धनपुरी सुलोचना, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये तमिल जो उपन्यासकार है, और इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकार जो रचनाएं हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बोल के बताता हूँ। इनकी जो राधा कृष्ण है, जीवन तारंगलू है,
आदि कुछ फेमस इनकी जो है कृतियाँ हैं, इनका जो अभी रिसेंटली निधन हुआ है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनसे जो पहले यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे वो थे मरियम्मा कोसी। मरियम्मा कोसी इस पे हॉकी इंडिया के इनसे पहले इस पद पर थे और उन्हीं का स्थान लिया है राजेंद्र सिंह ने। बात कर रहे देखिए हॉकी इंडिया की यहाँ पे, तो हॉकी इंडिया के जो महासचिव हैं अभी प्रेजेंट में वो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के प्रेजेंट में महासचिव है। इसकी स्थापना हुई थी हॉकी इंडिया की दोस्तों 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी, और इससे पहले इसे भारतीय हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, 2009 से पहले इसे जाना जाता था भारतीय हॉकी फेडरेशन के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 21 मई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जो गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट वहाँ के जो सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नागरिक पुरस्कार है उससे जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है आशा भोसले जी को, जो कि यहाँ पे एक सिंगर है और इनको ये सम्मान मिला है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में यमुना बाई वाइकर का निधन हो गया है, जिनका संबंध है, तो ये हैं दोस्तों सिंगर, जो यमुना बाई वाइकर हैं ये एक सिंगर हैं, और ये इसलिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है दोस्तों कि इनको जो है 2012 में पद्म श्री अवार्ड से जो है नवाजा जा चुका है, तो ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आज की क्विज है आपके लिए, तो दोस्तों आज की क्विज है आपके लिए जिसका कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर ज़रूर लिखना चाहिए, आप जो भी आता हो नहीं आता हो जिसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पसंद आइए तो एक लाइक प्लस अपने जो भी यूज़ करते हैं फेसबुक ट्विटर जो भी व्हाट्सअप उस पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जो है हेल्प मिल सके इस वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।